कलाशों के मुंडू जाड़ू कब्रिस्तान। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कलाशों के कई हज़ार सालों के पुराना कब्रिस्तान की। कलाशी कबीले की मुंडू जादू कब्रिस्तान कई हज़ार साल पुराना है। यहाँ पर मुर्दों को दफनाया नहीं जाता, बल्कि मुर्दे की तमाम साजो सामान के साथ ताबूत में डालकर ज़मीन के ऊपर रखे जाते हैं। कलाशियों की रिवायात के मुताबिक मुर्दे के तमाम सामान भी मुर्दे के साथ ताबूत में रखा जाता था। मुर्दों को दफन नहीं किया जाता, बल्कि ताबूत के साथ ज़मीन के ऊपर रखा जाता था। कलाशियों का अपना एक मुनफरिद सकाफत है। इस कब्रिस्तान में कई हज़ार सालों के पुराना शाहबलूत और दियार के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि कलाश सकाफत के मुताबिक इन्हें नहीं काटा जाता। तारीख इस बात की गवाह है कि कलाश कबीला ज़माने कबल अज़ मसीह से आबाद चला आ रहा है। जहां सदियों पुराना कलाश कबीला हज़ारों साल पहले की रिवायातों को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी दरख्त कलाशियों के पुराना आबाद होने की भी दलील है। कलाश कबीले की तर्ज ज़िंदगी, तहजीब, सकाफत और रहन सहन बहुत है। कलाशी कबीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान आबाद हैं। कलाश कबीले कई हज़ार सालों से चित्राल के तीनों वादियों में आबाद हैं, जिनमें वादी बंदरे, रंगूर और बरेल शामिल हैं। कलाश तहसील में फौजगी के वक़्त मुनफरिद रसूमात अदा की जाती हैं। कलाश लोग फौजगी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि रुखसत होने वाली रूह अपने खालिक की तरफ लौट रही है। कलाश लोगों का यकीन है कि ज़िंदगी आर्जी है, मौत के बाद एक और ज़िंदगी भी है। कलाश लोग रूह का दिन मंडक के नाम से मनाते हैं। उनका ख्याल है कि रुखसत होने वाली रूह हमेशा जिंदा है। कलाश कबीले अपनी रिवायात अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, जो कि कई हज़ार सालों के पुराना है। सर्दियों में यह मौसम बहुत सर्द होता है और पहाड़ों पे बर्फबारी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे।